हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है दोस्तों। आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे हमारा जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहेगा 2020-22 के लिए, और जो भी 2022 एस्पिरेंट्स हैं डेफिनेटली ये वीडियो उनके लिए बेस्ट है। थोड़ा सा लेंथी होने वाला है लेकिन आपको बहुत कुछ आइडिया इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा, तो वीडियो को प्लीज स्किप मत करना। डेफिनेटली यहाँ पे हमारा जितने भी एक्सपीरियंस है हम आपको शेयर करेंगे और डेफिनेटली आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आईआईटी जाम मिशन आईआईटी जाम। दोस्तों आईआईटी किसको पता नहीं है, आईआईटी मतलब कि इंडिया में जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं उनसे सबसे बेस्ट आईआईटी का ही परफॉर्मेंस रहता है हर साल। बहुत ही बेस्ट ऑफ बेस्ट टैलेंट्स वहां से ही पास आउट होते हैं दोस्तों। इंडिया में पॉलिटिकल से लेके आप मतलब कि किसी भी फील्ड को देख लो, बिजनेस फील्ड को देख लो, ओके सब मैक्सिमम आईआईटी नहीं होते हैं। स्टार्टअप देख लो, जितने भी इंडिया में नया नया जो स्टार्टअप आ रहे हैं सब मैक्सिमम आईआईटी नहीं वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं दोस्त। सो सबका एक ड्रीम होता है, सबका एक क्या होता है दोस्तों, ड्रीम होता है आईआईटी में जाने के लिए, सॉरी ड्रीम। तो लाइफ में कभी भी अगर आपके पास ड्रीम है ना बेटा, दो चीज याद रखना, ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आपको दो चीज चाहिए। पहला तो चाहिए आपका इंटरेस्ट, अगर आप आईआईटी में जाने वाले हो ना आपका इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि इंटरेस्ट एक फ्यूल की जैसा काम करेगा। हाँ मुझे पहुंचना है वहां तक, इंटरेस्ट आपके पास कितना है। इंटरेस्ट होने से कुछ नहीं, पार्लरली उसके साथ आपके पास कैसे पहुंचेंगे उसके लिए कुछ नॉलेज एक बैरियर है, मतलब कि एक आप समझ सकते हैं दोस्तों, मतलब कि ये एक रिवर फ्लो कर रहा है और इस रिवर के पास आप हो, यहाँ पे आईआईटी है, आप यहाँ पे जाना चाहते हो, आपके पास तो इंटरेस्ट है लेकिन आपके पास बैरियर क्या है, ये रिवर है। तो एक नॉलेज क्या है, एक आपका ब्रिज जैसा काम करेगा आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, बस इतना ही है। अगर आपके पास इंटरेस्ट है और नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली डिफिकल्ट हो जाएगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, और नॉलेज है बट आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, चलने जाने का मन ही नहीं है तो कैसे पहुंच पाओगे। तो आपके पास इंटरेस्ट है इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं जानता हूं, बट आपके पास अगर थोड़ा सा भी नॉलेज अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज को आप डेवलप कर सकते हो। इफ यू हैव इंटरेस्ट देन मतलब कि नॉलेज को आप डेफिनेटली डेवलप कर सकते हो, और मैं यहां पे कैसे आप नॉलेज को डेवलप करोगे जियोलॉजी में उसी को ही बताऊंगा। ओके कोई टेंशन नहीं दोस्तों, आपको बहुत ही कम समय देना पड़ेगा, यहां पे कम समय में बहुत आपको एफिशिएंसी, कैसा स्मार्ट वर्क करते हैं दोस्तों उसका स्ट्रेटेजी में बताऊंगा। तो एक ड्रीम के लिए क्या चाहिए बेटा, आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड में क्या चाहिए आपके पास नॉलेज, और आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो आप खुद सोच रहे हो, नॉलेज सबके पास होता है, अगर कुछ बच्चे होते हैं ना खुद सोचते हैं मेरे पास तो कुछ पता नहीं है कैसे जाएंगे, डोंट वरी नॉलेज को आप डेवलप कर सकते हो, नॉलेज कैन बी डेवलप, इट कैन बी डेवलप। सो बस इंटरेस्ट है पता लग गया, तो नॉलेज अगर कोई भी फील कर रहा है हाँ कैसे उसको और भी डेवलप किया, जितना भी है उससे अगर ज्यादा लेना चाहते हो तो डेफिनेटली इसके लिए स्ट्रैटेजी है। ओके मैं इसी स्ट्रैटेजी के लिए यहां पे इस वीडियो को ही बना रहा हूं आपके लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नॉलेज को कैसे हमारा बिल्डअप, क्योंकि इंटरेस्ट मुझे पता है आपके पास बहुत इंटरेस्ट है, तो चलिए दोस्तों इस पार्ट में हम काम करते हैं। तो हाउ टू डेवलप योर नॉलेज, हाउ टू डेवलप योर नॉलेज, नॉलेज का मतलब आप कह सकते हो आप अपना जो जियोलॉजी है बस उसी पे ही हमें थोड़ा सा काम करना है और स्मार्ट वे में दिखाना है। और कोई भी काम करने के लिए कुछ भी चीज को अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहां पे वर्क करना पड़ेगा, और वर्क दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा आपका हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क मतलब कि ये समझ लो दुनिया में जितने भी हार्ड वर्कर होते हैं ना वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। अब किसी को भी देख लो जो बहुत ही मेहनत कर रहा है, मतलब दिन रात एक कर रहा है, आर दे सक्सेसफुल। कोई रिक्शा वाले को देख लो बहुत ही मेहनत करते हैं, और कुछ लोगों को देखे होगे कि बैठ के भी कमा रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए बेटा हार्डवर्क की जरूरत नहीं है, आप उसको उसको कितना स्मार्टली डील कर रहे हो वो जरूरत है। दोज हुआ हाईली सक्सेसफुल आर नॉट डू रियली हार्डवर्किंग
एंड दोज हु आर नॉट सक्सेसफुल आर दे रियली डू हार्ड वर्क. आपको ये रिलेशन समझ में आना चाहिए कि सक्सेसफुल और हार्डवर्क में इतना ही अंतर है. अगर सक्सेसफुल बनना है ना तो हार्डवर्क को आपको कम करना होगा. और आपको समझ में आ रहा है ना, 18-20 घंटे यहां पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं बेटा. तो ये पॉइंट लाइफ के लिए सब में अप्लाई होता है. क्योंकि अगर पैसा भी कमाओगे तो बेटा आपको कम काम ही करना पड़ेगा कुछ कहीं पे भी स्मार्टली. तो हार्डवर्क के बाद और आता है. बहुत सारे लोग इसी के चक्कर में वो आगे बढ़ पाते हैं क्योंकि उनको स्मार्ट वर्क पता है. क्योंकि दुनिया में जो भी हार्डवर्क करता है आपको ही पता लग गया होगा. अब देख लो 50 आदमी इंसान को खड़ा कर दो, उनका उनको बताओ आप कितना घंटे काम करते हो. अगर वो बोलेगा कि मैं 10 घंटे 12 घंटे काम करता हूं, आर यू हैप्पी, आर यू अर्निंग मनी व्हाट यू वांट. नहीं, मैं तो मजदूरी कर रहा हूं. समझ में आ रहा है ना, मेहनत नहीं बेटा, आपको स्मार्टली वर्क करना है. और लोगों को पता ही नहीं स्मार्ट वर्क क्या है. बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है स्मार्ट क्या है. सबको बेटा हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में जस्ट इतना ही अंतर है. यहां पे भी आपको काम करना पड़ेगा, यहां पे भी मेहनत थोड़ा है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वे में. देखिए एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा. एक ये आपका एक बस खड़ा हुआ है, ओके, इस तरफ से चार आगे और इस तरफ से चार बंदे आगे, ओके, उनका ये आपका राइट साइड हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया. लेफ्ट साइड से कितना, चार बंदे आगे, इस साइड से बेटा चार बंदे आगे. और ये जो राइट साइड वाले इस तरफ बॉस को फोर्स कर रहे हैं और लेफ्ट साइड वाले इस तरफ बॉस को फोर्स कर रहे हैं, क्या बस यहां पे मूव करेगा क्या? क्योंकि फोर्स तो लगा रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं बेटा, बट मेहनत में क्या गलती है? इनका डायरेक्शन, ये बेटा इस तरफ जा रहा है और इनका फोर्स ऑफ डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, तो क्या ये मूवमेंट करेगा क्या? नहीं ना, बट दे आर डूइंग मेहनत. सो इसीलिए कोई भी चीज को आगे लेने के लिए आपको एक मेहनत तो करना जरूरी है. बट ये अपना बस से अगर उसी चार चार आठ बंदे बस के लेफ्ट साइड से आ जाएंगे और बस का ये आगे वाला हिस्सा है और लेफ्ट साइड से ही वो फोर्स लगाएंगे, लेफ्ट साइड से ही वो फोर्स लगाएंगे, तो डेफिनेटली बस आगे बढ़ने लगेगा. तो दोस्तों स्मार्ट वर्क का मतलब यही है. दोस्तों स्मार्ट वर्क की एक वर्क है, बट ये दोस्तों एक राइट डायरेक्शन में वर्क है. ओके, स्मार्ट वर्क जो भी आपको मैं यहां पे बता रहा हूं, स्मार्ट वर्क का डेफिनेशन ही यही है दोस्तों. इट इज ए हार्ड वर्क बट इन ए राइट डायरेक्शन. हार्ड वर्क इन ए राइट डायरेक्शन. तो मेहनत यहां पे लोग करते हैं, बहुत करते हैं, बट सक्सेस नहीं होते. बट यहां पे थोड़ा सा ही मेहनत कर लेते हैं, बट राइट डायरेक्शन में अगर आपका मेहनत है ना, आप डेफिनेटली कोई भी ड्रीम को आप फुलफिल कर सकते हो. डेफिनेटली आपका नॉलेज बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इस कैटेगरी में जितने भी बच्चे होते हैं हार्डवर्क कैटेगरी में, वो बहुत कुछ पढ़ाई करते हैं, रोज पढ़ते हैं. और यहाँ पे सिलेक्टिव बहुत ही कुछ कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई करते रहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं दोस्तों. और उनका नॉलेज बढ़ता जाता है और वहां उसके बाद जितना भी उनका कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखा है दोस्तों, उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं. और ये वाले क्या होते हैं, रोज ओनली उल्टा सुलटा पढ़ते रहते हैं. हाँ जियोलॉजी ही तो है, पढ़ना ही तो पड़ेगा, उनको पता है इतना पढ़ रहे हैं, बट आपको स्मार्ट वे में मेहनत करना है, एक राइट डायरेक्शन में आपको जाना है दोस्तों. डेफिनेटली आपको बहुत ही मतलब कि काम बहुत ही आपको मदद करेगा दोस्तों ये स्मार्ट वर्क. और राइट डायरेक्शन क्या है, आपको जस्ट इतना मालूम करना है राइट डायरेक्शन क्या है. व्हाट इज योर राइट डायरेक्शन. जियोलॉजी का मतलब कि यहां पे डिस्कशन थोड़ा सा कम कर रहा हूं, क्योंकि आपको थोड़ा सा पता लगे कि आप क्या कर रहे हो. और आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा मतलब कि उल्टा कर रहा हूं, तो राइट डायरेक्शन आपको मिल जाना चाहिए. तो इसीलिए थोड़ा सा फिलोसॉफिकल यहां पे मैं मुझे बनना पड़ रहा है. राइट डायरेक्शन, और राइट डायरेक्शन फॉर क्या, आईआईटी जाम टॉपिक आपका क्या है दोस्तों, जियोलॉजी. तो आपका पहुंचना कहां है बेटा, आईआईटी जाम तक पहुंचना है. तो पहुंचने के लिए कोई भी गोल के लिए बेटा एक आपको मतलब कि वे पता होना चाहिए कि आपको कंपटीशन को देखना है, समझना है उसको. पहला स्ट्रेटेजी क्या है आपको आईआईटी जाम के लिए बेटा, लुक योर कॉम्पिटिटर. और कॉम्पिटिटर को आपको देखना नहीं, उसको समझना पड़ेगा कॉम्पिटिटर क्या है यहां पे. अब ये मत सोचना कि मेरा दोस्त कॉम्पिटिटर है सर मेरा,
नहीं, आपका दोस्त यहां पे कोई कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीटर ओनली आईआईटी जाम का बेटा क्या है कि आईआईटी जाम का बेटा सिलेबस है। ओके, आईआईटी जाम का सिलेबस है आपका। ये मत कहना सर मेरा दोस्त मेरे से 5 मार्क आगे ले गया सो वो मेरा कंपटीटर है। नहीं, कभी नहीं, नेक्स्ट एग्जाम में मैं उससे आगे ले हूं। बेटा इससे करोगे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, कितनों के साथ आगे जा पाओगे? आपका कंपटीटर सिर्फ एक ही है, आईआईटी जाम जियोलॉजी का जो सिलेबस है उसके साथ आपका लड़ाई है जितना भी। और आपको इसी सिलेबस को बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करना है। सिलेबस में है क्या? जनरल जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, देन आपका मिनरलॉजी, स्ट्रेटिग्राफी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, पेट्रोलॉजी, मतलब कि आपका और जियोलॉजी, यही सब तो है। इसी सिलेबस को देखो और समझने की पहले कोशिश करो कहां से क्वेश्चन आ रहा है। क्या मैं इस क्वेश्चन को, मतलब कि इस सिलेबस को विद इन नेक्स्ट 6 to 7 months क्या मैं खत्म कर सकता हूं? क्योंकि क्वेश्चन, मतलब कि पहले सिलेबस देखना उसके बाद क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन तो बहुत ही मतलब कि थ्योरिटिकल, मतलब कि एमसीक्यू टाइप आता है। क्वेश्चन में ओनली थोड़ा सा ही आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है बस। तो क्वेश्चन को देखो और सिलेबस को देख के आपको दिमाग में आपको आइडिया आना चाहिए कि कैन आई, आप खुद को ही पूछना पड़ेगा यहां पे, कैन आई कंप्लीट दिस सिलेबस विद इन नेक्स्ट 6 to 7 months? यस, कैन आई कंप्लीट? अगर आपका आंसर यस है तो डेफिनेटली आप सीधी नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी क्वेश्चन। ओके, देन बेटा जज योर पोटेंशियल। सिंपली आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, आईआईटी जाम के जो भी आपका सिलेबस है उसको आप पूछो, देखो सिलेबस में क्या क्या है, जनरल जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, मिनरलॉजी, जो भी है सिलेबस को देखो और आपके मेंटली उसको प्रिपेयर, क्योंकि आप ग्रेजुएशन पढ़ाई कर रहे हो, डेफिनेटली आप 10+2 तो अब बच्चे नहीं रहे, आप खुद को भी अभी पूछ सकते हो। पहले क्या होता था, आप दूसरों को पूछते थे, चलो कोई बात नहीं आप बच्चे थे, लेकिन आप बेटा आप बड़े हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो, तो इस सिलेबस को आपको खुद को ही एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद को खुद से ही पूछना पड़ेगा, कैन आई फिनिश दिस सिलेबस विद इन नेक्स्ट 6 months? अगर आपका आंसर यस है तो डेफिनेटली उसके बाद आप क्वेश्चन को फॉलो करो और सिलेबस को और क्वेश्चन को एक साथ जब मतलब कि एग्रीगेट कर पाते हो तो डेफिनेटली आपका पोटेंशियल दोस्तों पता लग जाएगा। मे बी आप कह सकते हो कि मेरा अभी का, क्योंकि आप 2 साल जियोलॉजी पढ़ चुके हो, ये मत कहना कि सर जियोलॉजी में मैं 0 हूं। आपका पता लग गया कि सिलेबस को आपने एनालिसिस किया और क्वेश्चन को एनालिसिस किया, अभी आपने सपोज कोई एक मॉक टेस्ट भी दे दिया, आप बोल रहे हो कि सर मेरा मॉक टेस्ट में 30 मार्क ही आया। ओके, कोई नहीं, आपका पोटेंशियल 30 है और सिलेबस का पोटेंशियल, क्वेश्चन का पोटेंशियल 100 है, क्योंकि 100 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको बेटा क्या इंप्रूव करना है, आपका ये 70 जो है ना गैप, इसको दोस्तों आपको इंप्रूव करना है। और जैसे ही आपका खुद का पोटेंशियल पता लग गया तो कोई आपको हरा नहीं सकता। अगर खुद का ही, खुद के बारे में आपको ही पता नहीं है तो डेफिनेटली आप आईडी, मतलब कि कोई भी ड्रीम को फुलफिल करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इसीलिए आपका पहला तो आपको नो योर पोटेंशियल, देन फिल द गैप, बस पोटेंशियल एंड फिल द गैप, यही स्ट्रेटेजी रहता है दोस्तों। सो अभी क्या है कि आपको पता लग गया आपका पोटेंशियल, सपोज आप कह सकते हो मेरा सर 30 मार्क, अभी मैं सेकेंड ईयर पढ़ाई कर रहा हूँ सर, मैं ओनली 30 स्कोर कर पा रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस को आपने एनालिसिस किया, आपने 2 साल पढ़ाई किया है, तो मैं सर 30, और ये जो गैप है मेरे को सर इसको फुलफिल करना है, बस यही है आपका प्लानिंग। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो रहा हूं बट आपको मतलब कि घुमा फिरा के मैं आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, और डेफिनेटली प्लानिंग क्या है कि बेटा जितना आप प्लानिंग अच्छे से करोगे और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करोगे, क्योंकि प्लानिंग हर टाइम दिमाग में आता रहता है, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन प्लानिंग उसके बाद एग्जीक्यूशन पे ही आपको फोकस करना है। प्लानिंग को छोड़ के एग्जीक्यूशन, मतलब कि प्लानिंग जो भी है, आपने जो भी प्लानिंग, जो भी डिसीजन लिया, उसके बाद उसको, उसका जो एग्जीक्यूशन पार्ट है उसी को ही फोकस करना है बेटा। और एक पॉइंट याद रखना दोस्तों, ईयरली प्लानिंग एंड प्रिपरेशन इज एसेंशियल टू स्टे सेफ, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हो कुछ ना कुछ झिझक आने वाला है डेफिनेटली, तो इसीलिए प्लानिंग जितना भी हो सके ईयरली ही बनाना, तो आगे बढ़ने के लिए सक्सेसफुल लोग यही करते हैं, उनका प्लानिंग बहुत ही पहले से। ये मत कहना कि जियो का जो धन धनाधन ऑफर आया वो प्लानिंग मतलब कि 2017 में ही लॉन्च हुआ, नहीं,
उससे पहले ही हो गया था, क्योंकि पहले आप जो करोगे ना वो दिमाग से कर रहे होते हो, उसके बाद एग्जीक्यूशन पार्ट आता है। तो प्लानिंग बेटा जितना यार्ली हो सके ना अब उतना ही आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि आपको आपके पास टाइम बहुत मिल जाएगा काम करने के लिए, एग्जीक्यूशन टाइम को आपको ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं यार्ली प्लानिंग एंड प्रिपरेशन इज एसेंशियल टू स्टे सेफ, और आपको सेफ ही तो रहना है। और अभी मार्च एंड होने वाला है, अप्रैल आने वाला है, तो डेफिनेटली प्रिपरेशन और जो भी है आपका प्लानिंग अभी मार्च के अंदर ही खत्म कर दो, उसके बाद एग्जीक्यूशन में टाइम ज्यादा दो जितना जल्दी हो सके। बस यही है आपका ड्रीम क्या है बेटा, IITian बनना। सो काम भी तो IITian जैसा ही करने वाला हो। ओके सॉरी, ड्रीम क्या है बेटा, IITian बनना बस। और अभी आपके पास आपका पोटेंशियल बेटा पता है, यू नो योर पोटेंशियल। आप बोल रहे हो कि सपोज मैं नहीं सर मेरा तो अभी तो मैं 50 स्कोर कर पा रहा हूं, चलो कोई नहीं, एक मैं एवरेज लेवल के बच्चे को मैं यहां पे रख रहा हूं, सर मेरा पोटेंशियल 30 है, कोई भी 20 भी है तो कोई नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम तो है ना। ओके, और आपको पहुंचना है कहां, IITian बेटा बनना है, तो गोल तो है बेटा। इसीलिए बेटा आपको मेंटली रोड मैप बनाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आपको यहां पे 70 प्लस मार्क जो भी सिलेबस है उसको बेटा आपको खत्म करना है। तो इसीलिए बेटा जो आपका पोटेंशियल है ना, अभी आप यहां पे हो ना, तो इसी को यहां तक पहुंचने के लिए, आपके गोल तक पहुंचने के लिए एक बेटा क्या चाहिए, रोड मैप चाहिए, रोड मैप। ओके, जितना जल्दी हो सके इसी रोड मैप को आपको बनाना है, मैं हेल्प करूंगा। रोड मैप क्या होना चाहिए, रोड मैप आपका होना चाहिए बेटा चार चीज होता है जो भी IITian बनते हैं। ओके, पहला होता है उसका सिलेबस, कौन सा टॉपिक में वो ज्यादा वीक है और स्ट्रांग है, सिलेबस उसको, क्योंकि वो पोटेंशियल जानता है, मैं इतना जानता हूं खुद के बारे में, जस्ट सिलेबस को देखना है मैं कौन से में ज्यादा वीक हूं, उसी को ही तो स्ट्रांग बनाना है। उसके बाद सिलेबस, क्योंकि रास्ते में बहुत ही एक रोड मैप बना रहे हो, रास्ते में बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस चलने वाले हो अभी, तो बेटा ओनली सिलेबस जानने से नहीं होगा, उसके साथ क्योंकि रास्ते में चलने वाले हो तो रास्ते में हेल्थ का, तबीयत का भी ध्यान रखना होगा आपको। ओके, उसके बाद आपका फ्रेंड सर्कल, क्योंकि उनको भी, क्योंकि वो हर टाइम मोटिवेट करते रहते हैं। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, कौन सा टाइम में मैं कहाँ पे पहुंचूंगा, क्योंकि आप एक डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हो, यही सोच लो बेटा, आप यहाँ पे हो और आपको मतलब कि पूरी जाना है, आप समझ लो। तो ऐसे ही क्या जा पाओगे, और कैसे जाओगे बेटा, चल के जाना है, क्योंकि आपको यहाँ पे गाड़ी नहीं मिला तो आपको चल के कवर करना है ये 200 किलोमीटर डिस्टेंस, बट जाना ही है, अगर नहीं जाओगे तो वहां पे नौकरी नहीं मिलेगा, बस, और कुछ भी हो सकता है नेगेटिव। तो आपको पहुंचना है, आप इंटरेस्टेड हो वहां, और आपका पोटेंशियल है कि आप 30% डिस्टेंस कवर कर चुके हो, और अब ओनली जस्ट 140 किलोमीटर आपको पहुंचना है। आपके पास, आप खुद सोच रहे हो अगर मेरे पास एनर्जी नहीं है, फिर भी तो आपको पहुंचना ही तो पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहुंचना। और पहुंचने के लिए आपको रास्ता पता लग गया, सिलेबस पता लग गया, इसी सिलेबस में अपने चलने लग गए, लेकिन हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर बीच में अगर आपका हेल्थ खराब हो गया तो आप पहुंच पाओगे क्या। उसके बाद अगर रास्ते में अगर चल रहे हो तो डेफिनेटली दो चार दोस्त के साथ अगर जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत ही आसान हो जाता है, तो आपकी प्रिपरेशन में भी दो चार, मतलब दो, ज्यादा नहीं, चार मत लेना क्योंकि डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो दो, एक दो दोस्त जो कि उसी एग्जाम के लिए मोटिवेटेड है, तो डेफिनेटली उनको भी साथ लेके जाओ, क्योंकि वो भी चलेगा, तुम भी चलोगे, तो बात करते करते कब पहुंच जाओगे पता ही नहीं चलेगा बेटा। और टाइमिंग के ऊपर बहुत ध्यान रखना है, ये सिलेबस यहां तक खत्म करना है, मतलब कि खत्म करना है बस। तो फिक्स एक रूटीन लाइफ टाइमिंग, मतलब कि यहां से यहां तक हम इतने बजे पहुंचेंगे, मतलब पहुंच जाएंगे। टाइमिंग एक आपको बहुत ही मैटर करता है बेटा, IIT एग्जाम, कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो डेफिनेटली टाइमिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जब आपने स्टार्ट कर लिया तो पीछे मुड़कर मत देखना, एक मतलब कि टाइमिंग का मतलब यही है कि आपको रूटीन लाइफ प्रिपरेशन में बेटा आपको रूटीन लाइफ को बहुत ही मतलब कि अहम देना है। ओके, क्योंकि अगर ये रूटीन लाइफ अगर आपके पास नहीं रहेगा ना, कोई भी जो काम है बेटा सिस्टमेटिक नहीं रहेगा। अगर फिक्स से अगर आप मोटिवेटेड भी नहीं हो तो आपका रूटीन देख लिया कि हाँ मेरा को ये पढ़ना था, बस पढ़ लिया। ओके, और जैसे ही ये रूटीन आपने बना लिया उसी पे ही काम करना है, उसी पे ही रिपीटेडली आपको बार करना है बस। अब डेफिनेटली बेटा आप आगे जा पाओगे, यही आपका डिश मतलब कि स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और जैसे ही आपने रूटीन लाइफ बना लेते हो, आपका प्लानिंग बना लेते हो,
ओके, आप उससे बात पीछे मुड़कर मत देखना। इनिशियली मैं जानता हूं डिफिकल्ट रहेगा, इनिशियली आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, तो स्टार्ट कैसे करना है, चलना कैसे, जो अभी आपका क्या हो, कहां पे आप पहुंच चुके हो बेटा, मतलब रूटीन लाइफ आपका बन चुका है, प्लानिंग आपका खत्म हो चुका है, प्लानिंग में ये करूंगा, प्लानिंग प्लानिंग मतलब आपने सोच लिया कैसा कैसा प्लानिंग होते हैं, मैंने जनरल जियोलॉजी को मतलब कि इतना टाइम लगेगा, इसको इस टाइम में मैं ध्यान दूंगा, आपका मॉर्फोलॉजी टॉपिक प्लानिंग सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, ये मत कहना कि सर आपका प्लानिंग क्या था, आपका प्लानिंग बेटा क्या है कि जो प्लानिंग होता है ना आपका सिचुएशन के हिसाब से, आपका टाइमिंग क्योंकि कॉलेज का टाइमिंग, क्लास एग्जाम सेमिस्टर, उसके बाद आपको जो टाइम मिलेगा उसी पे ही आप तो प्रिपरेशन करोगे। तो मेरा पास जो टाइमिंग था मैं आपको अगर दूंगा आपके साथ मिसमैच कर जाएगा, तो प्लानिंग आपको खुद को ही बनाना है, क्योंकि आप अपने को जानते हो, अपना टाइमिंग को सब कुछ जानते हो बेटा, सो इसीलिए प्लानिंग आपको ही खुद को बनाना पड़ेगा। ओके, जियोलॉजी को कितना घंटा, कितना टाइमिंग, ओके कब खत्म करना है, ओके जनरल, देन मॉर्फोलॉजी को, देन आपका मिनरोलॉजी पार्ट को कब कैसे कब तक पहुंचना है, मतलब कि कौन सा ग्रुप को ये करना है, सब कुछ आपको एक प्लानिंग पहले मेंटली उसको बनाना पड़ेगा आपको। पेट्रोलॉजी को यहां से स्टार्ट करना है, इग्नियस को पहले, मेटामॉर्फी को उसके बाद, और मेटामॉर्फी में कौन सा टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, ओके ये तो मैं बता दूंगा कौन सा टॉपिक है, टॉपिक वाइज एनालिसिस मैं बता दूंगा, लेकिन आपको प्लानिंग का मतलब है ये कि कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कहां तक पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, समझ में आ रहा है ना, कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है और कितने में ये खत्म हो जाएगा, सब कुछ आपके क्योंकि आपके अंदर ही फिक्स होना चाहिए, बस यही होता है आपका प्लानिंग। और इसी प्लानिंग को जब एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, पीछे मुड़के मत देखना। हाँ मानता हूं स्टार्टिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेटा, यस आई नो स्टार्ट करना हाईली डिफिकल्ट, बट लेकिन कुछ भी चीज अगर आप रोज रोज कर रहे हो ना बेटा, बहुत ही आसान लगेगा आने वाले समय पे। इनिशियली बहुत ही दिक्कत होता है, मैं जानता हूं, अगर आप इनिशियली जॉगिंग करने जाओगे कोई भी फील्ड पे, आप एक दिन में 4 राउंड यहां पे दौड़ लिए तो आपको पता लग जाएगा बहुत ही डिफिकल्ट है, उसके अगले दिन आपको पेन करने लगेगा, मैं जानता हूं, और उसी के चक्कर में बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट डे भी आप अगर जाओगे तो थोड़ा सा कम दर्द करेगा, उसके अगले दिन जाओगे और भी कम, जैसे ही आप 4-5 दिन दौड़ने चले जाते हो ना फील्ड पे, दर्द ही नहीं करता है और आपको दौड़ने का मन भी करता है बेटा, बस यही है। प्रिपरेशन में भी आपको इसी स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करना है। डे 1 बहुत ही दिक्कत होता है, और स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम दौड़ना बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में इनिशियली आप 10 राउंड मार लिए तो मतलब प्राण आपका निकल आएगा, क्योंकि ऐसा ही स्टार्टिंग में आपने 10 घंटा पढ़ाई कर लिए, उसके 10 घंटा, उसके अगले दिन आपको 12 घंटा, उसके अगले दिन आपका 6 घंटा, उसके अगले दिन 8 घंटा, उसके अगले दिन 4-3-2-1 हो जाएगा, तो एक फिक्स। और स्टार्टिंग आप बहुत ही स्लो से ही करना चाहिए, स्टार्टिंग कभी भी बहुत ही ज्यादा नहीं, ओके क्योंकि आपने जो स्टार्ट करोगे उसको कंटिन्यू रखना भी बहुत ही बड़ी बात होती है। तो डे 1 से आपका जो एग्जीक्यूशन प्रोग्राम होगा ना, प्लानिंग होगा, बहुत ही कम रखना, स्लो रखना, 2 घंटा पढ़ूंगा, 1 घंटा पढ़ूंगा, बट पढ़ना पड़ेगा। उसके आगे दिन बेटा आप बढ़ा सकते हो, डे 2 डे 3, ओके क्योंकि आपको हर टाइम गोल को देखना पड़ेगा, आईआईटियन बनना है, उसके लिए बेटा डे 1 डे 2 डे 3 आपको दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंटिन्यूशन मतलब कंसिस्टेंसी है ना, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है हर किसी के लिए, इसीलिए तो कोई मतलब हर कोई आईआईटी जाम नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका कंसिस्टेंसी नहीं होता है। अगर आसान होता तो कोई भी उसको क्रैक कर लेता, डिफिकल्ट है और इसी डिफिकल्टी के साथ आपको आगे जाना है, तभी जाके आपको आईआईटी मिलने वाला है दोस्तों। इतना आसान भी नहीं है कि आप आसानी से हाँ चलो पढ़ लिए हो जाएगा, नहीं। और देखो डे 1 डिफिकल्ट होगा, डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 .. जब डे 21 हो जाएगा ना, आप एक अपने जो भी रूटीन आपने बनाया, जो भी आपका प्लानिंग आपने बनाया, उसको अगर 21 डे तक आपने एग्जीक्यूट कर रहे हो सक्सेसफुली, तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट 6 महीना को आराम से कर लो, क्योंकि आपका बॉडी को मतलब कि चेंज करने के लिए बेटा 21 डे चाहिए। अगर इसी 21 डेज आपने एक कंसिस्टेंसी रूटीन लाइफ को मैनेज कर लिया, तो आने वाले समय में जितने भी 7 महीने मिलेंगे आपको, आप डेफिनेटली हर टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, और आपका आईआईटी एग्जाम फर्स्ट 21 डेज में ही आपका डिसाइड हो जाएगा। फर्स्ट 21 डेज में ही आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा आईआईटी जाने वाले हो। अगर इस 21 डेज को आपने सक्सेसफुली कर लिया, तो नेक्स्ट आपको और थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा लाइफ में, बस
उसके बाद पता लग गया कि सर मेरे पास सिलेबस मैंने सीख गया सर, उसके बाद सर मेरा प्लानिंग हो गया, प्लानिंग को आपने 21 डेज तक एग्जीक्यूट भी कर लिया, क्योंकि 21 डेज ये बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं, हम भी अपने टाइम में करते थे। 21 डेज आपका एग्जीक्यूशन हो गया, इसका मतलब आपने समझ लिया कि आपका आईआईटी इसमें 100% चांसेस है कि आप बनने वाले। बस 21 डेज आपने एक रूटीन लाइफ को फास्ट गोल आपका अचीव कर लिया, बस। तो उसके बाद आपको आईआईटी में जो दूसरा लेवल पे जाना है बेटा, क्योंकि आईआईटी में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, आईआईटी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं नॉलेज तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप अभी मेहनत कर रहे हो और राइट डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। और उसके बाद बेटा इसी नॉलेज को आपको दिमाग में स्टोर ही रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि बार बार एक ही चीज को आपको यहां पे पढ़ना पड़ेगा। जियोलॉजी पढ़ रहे हो, जनरल जियोलॉजी पढ़ रहे हो, बार बार मिनरोलॉजी पढ़ रहे हो, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो नॉलेज को आपको यहां पे प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद इसी प्रैक्टिस को रिपीट करना है, क्योंकि आज पढ़ा था इसका मतलब ये नहीं कि वो दो दिन बाद नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसी को ही दो दिन बाद फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको। नॉलेज को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना है, और प्रैक्टिस को आपका कंसिस्टेंसी लेवल में रोज रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। हां मैं जानता हूं इसमें दिक्कत लगेगा सर, बोर लग रहा है सर, मूड खराब हो रहा है सर, बट जब आप इसी रूल को फोकस कर दोगे, कंप्लीट कर दोगे, आपका टारगेट 1 खत्म हो गया, उसके बाद आपको जितने भी नॉलेज आप कन्वर्ट कर रहे हो 21 डेज में, और उसी को बेटा स्टोर करना है। कैसे करोगे? प्रैक्टिस करके। कैसे प्रैक्टिस को बढ़ाओगे और उस मतलब कि अपने गोल की तरफ मोटिवेट रहोगे, उसको कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करके। बस यही आपका प्लानिंग। तो ये सबके लिए मैं प्लानिंग बता रहा हूं, ये नहीं कि मैं सर इस बार आईआईटी एग्जाम दिया था सर मेरा नहीं हुआ, ड्रॉप आउट भी इसी फॉर्मूला को आप जीरो से स्टार्ट करना। कभी भी मत कहना कि सर मैंने पढ़ा था, बहुत पढ़ा था, बट ट्राई करना स्टार्टिंग फिर से जीरो से कर देना, हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें। जो भी बोल रहे हो ना ड्रॉप आउट के लिए, मैं मैसेज यहां पे देना चाहूंगा, जो भी सोच रहे हो कि सर मैं इस बार आईआईटी मेरा नहीं होगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट आया था, मैं आईआईटी यान के लिए बना नहीं बेटा, नहीं बेटा, आपका मतलब कि आप बहुत ही मेहनत करते हो मैं जानता हूं, बट राइट डायरेक्शन में आपको मेहनत करना पड़ेगा। और ये मत सोचना कि एक बार में नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, एक पत्थर को एक बार मारने से वो टूटता है क्या? आप ओनली खुद को ब्लेम मत करना कि आप हारे हुए हो, आप कभी भी हार नहीं सकते, आपका मे भी स्ट्रेटेजी फेलियर हो सकता है लेकिन आप फेल नहीं हो, सो डोंट वरी, फिर से उसको और एक बार मारो, डेफिनेटली वो टूटेगा ही टूटेगा, बस ऐसा ही है, क्योंकि लाइफ तो ऐसा ही है ना बेटा, और लाइफ जो भी है दुनिया में एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है बेटा। और इतिहास लिखने के लिए बेटा टाइम लगता है, ये नहीं कि आसानी से लिख जाएगा। आपका रिजल्ट आपको मतलब कि जो भी शो कर रहा है ना, जो भी मतलब कि ड्रॉप आउट है उनके लिए बता रहा हूं, जो भी 2021 APR कर चुके हैं, आपका ये रिजल्ट आपका मतलब कि टैलेंट ये नहीं शो कर रहा है कि आप सोच रहे हो सर मेरा 30 मार्क आ रहा है सर, 40 मार्क, बहुत मेहनत किया था सर। अब आप जो एग्जाम दिए थे उस पर बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लाइक कॉन्सेंट्रेशन, फियर, नेगेटिव मार्किंग, लैक ऑफ प्रैक्टिस, एग्जामोफोबिया, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर मैंने बहुत पढ़ा था, बहुत ही अच्छे से सब कुछ क्वेश्चन आता है, बट एग्जाम के अंदर मेरा गलती हो गया, तो ये भी एक फैक्टर रहता है आपका मार्क मतलब कम होने में। तो डरो मत, फिर से आपको उसी स्ट्रैटेजी में लाओ, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, फिर से दो, डेफिनेटली हो जाएगा। बस यही है बेटा, आपको जस्ट मेंटली में प्रिपरेशन करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सभी IITian सब कुछ ये स्ट्रैटेजी ले सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ भी नेगेटिविटी है ना तो उससे जल्दी ही खत्म करो और प्रिपरेशन में लग जाओ, जो भी फिर से देना चाहते हो बेटा, ये नहीं कि उसी को सोचते 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 आगे बढ़ रहे हो ऑब्वियसली। और IIT जाने के बाद तेरे को आपको कोई भी पूछेगा नहीं कि आपका बैकग्राउंड क्या था, 3 बार फेल हो चुके हो, कोई परवाह नहीं, क्योंकि IIT के अंदर बेटा सब एक ही है, IIT के अंदर सब एक ही है। बस यही स्ट्रेटेजी अपनाओ, जो मतलब कि सबके लिए मैं बता रहा हूं, जो फ्रेशर है तो उनके लिए बेस्ट है, और जो भी ड्रॉप आउट है और सोच रहे हैं कि सर मेरा गलती हो गया, मैं फेल हो चुका हूं, बेटा आपका फेलियर मतलब कि आपका स्ट्रेटेजी का फेलियर था, आप फेलियर नहीं हो, क्योंकि दिमाग से आप जब तक हारे नहीं हो आप फेलियर नहीं हो, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम न्यू, बेटा टाइम लगेगा, डोंट वरी। और
एग्जाम जो भी दे चुके हो और जिनका भी खराब हो चुका है, डेफिनेटली बहुत सारे फैक्टर होते हैं एग्जाम हॉल के, क्योंकि सब कुछ सिलेबस खत्म भी कर लेते हैं, और ये फ्रेशर के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ वो खत्म कर चुके होते हैं, बट एग्जाम हॉल में क्या होता है कि बहुत सारे होते हैं कॉन्सेंट्रेशन फियर, क्यों डर लगता है एग्जामिनेशन हॉल में, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, हमारा दिमाग ही ऐसा है, सब करते हैं, एग्जामोफोबिया, एग्जाम का एक प्रेशर होता है अगर नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा सोच लेते हैं उसके बारे में। और तब बेटा जब आप अपने दिमाग को, क्योंकि आपका दिमाग बेटा कितना सा है, इतना सा है, और आपके दिमाग के अंदर कॉन्सेंट्रेशन फियर नेगेटिव थिंकिंग लैक ऑफ प्रैक्टिस, मैं तो ये पढ़ा नहीं था ये आ जाएगा, डर एग्जामोफोबिया एक प्रेशर, इतना सारा अगर स्ट्रेस आ जाएगा तो आपका दिमाग ठीक से काम करेगा क्या? कोई भी कंप्यूटर में उल्टा सुलटा डाटा अगर भर दोगे, ज्यादा ही डाटा भर लो, आपका कंप्यूटर अच्छे से काम करेगा क्या? लोड लेने से नहीं, जितना दिमाग को फ्री करोगे ना उतना ही आपका दिमाग का एफिशिएंसी बढ़ेगा। उल्टा सुलटा मत सोचना उसी एग्जाम हॉल के अंदर, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, डेफिनेटली आगे बढ़ पाओगे। अगर सोचते रहोगे कि मेरा एग्जाम नहीं हुआ तो मर ही जाऊंगा मैं, लड़की नहीं मिलेगी, शादी कैसे करूंगा, उल्टा सुलटा सोच आता रहता है, इंसान का दिमाग है ना बेटा। सो इसीलिए जब कॉन्सेंट्रेशन आईआईटी के लिए है तो आपका दिमाग को टोटली हल्का रखना पड़ेगा, एग्जाम के बाहर भी एग्जाम के अंदर भी, ये 6 महीना 7 महीना आपको एग्जाम, चलो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, आपका दिमाग में इतना ही सोच होना चाहिए आईआईटी एग्जाम के जितने भी सिलेबस है मैं उसको खत्म करने वाला हूं और मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, बस एग्जाम दूंगा और चलाऊंगा, बस इतना ही, और डेफिनेटली आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप यहां पे ज्यादा सोचे नहीं हो, आप इतना मतलब कि नेगेटिव सोच अपने दिमाग पे रखे नहीं हो, आप ओनली एग्जाम के लिए मतलब कि एक सिलेबस को खत्म कर रहे हो, सिलेबस में जो भी नॉलेज आपने इकट्ठा किया उसी को एग्जाम हॉल में देने वाले हो, बस सिंपल सा सवाल है। और यहां पे अगर लेके जाओगे सर स्ट्रेस फियर, मेरा दोस्त का हो जाएगा मेरा नहीं होगा, ये सब लेके जाओगे तो डेफिनेटली बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि दिमाग भारी हो गया ना, दिमाग अगर काम करना ही बंद कर देगा तो, समझ में आ रहा है ना? बस यही है बेटा स्ट्रेटेजी, सिंपल सा स्ट्रेटेजी आपको बता रहा था। और भाई देखो आईआईटी क्यों, क्योंकि आप जैसा भी कॉलेज से आए हो, आप मतलब कि टायर 1 टायर 2 टायर 3 सिटी से बिलोंग कर रहे हो, तो वहां पे जो भी कॉलेजेस हैं वहां पे इतना रिसर्च फैसिलिटी नहीं होता है बेटा। आईआईटी में यही है कि वहां पे आपको बेस्ट फैकल्टी मिल जाएंगे, बहुत ही बेस्ट फैकल्टी मिलेंगे, हर चीज में हर टॉपिक में मिलेंगे। ओके, तो आपको मतलब कि एक एनवायरमेंट मिल जाएगा पढ़ने का, और हमारा यहाँ पे तो क्लासेस जो भी होता रहता है आपको पता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक क्लासेस होता है, बहुत ही रूटीन लाइफ, बहुत ही टाइमिंग को बहुत ही देखा जाता है वहाँ पे। ओके, रेगुलर क्लास होता है, बहुत ही रेगुलर क्लासेस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको बहुत ही स्टूडेंट को अच्छे स्टूडेंट कम्युनिटी मिलेंगे, बहुत इतना बेस्ट स्टूडेंट कम्युनिटी की आपको ही पता नहीं लगेगा। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे रिसर्च एनवायरमेंट, रिसर्च फैसिलिटी, अगर आपको जियोलॉजी में कुछ करना है लाइफ में, डेफिनेटली आईआईटी बहुत ही बेस्ट है। रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको बहुत ही बेस्ट मिलेगा। उसके बाद मतलब स्कूल लाइक एनवायरनमेंट, जैसे कि स्कूल में होता था ना 10 से 4 क्लास जाओ, बहुत ही सिस्टमेटिक पढ़ो, 4 क्लासेस होने वाला है, देन 2 प्रैक्टिकल होने वाला है, बस स्कूल जैसा आपको लगेगा वहां पे, बेस्ट गाइडेंस। ओके, तो उसके बाद अपना जो भी हॉबी है, डांस क्लब है, बिजनेस क्लब है, देन एडवेंचर क्लब है, आप वहां से पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना मतलब कि एक A1 लाइफ आपको वहां पे मिल जाएगा, ताकि आप लाइफ में A1 ही काम कर सको। बस आईआईटी बस इतना ही है, बस आईआईटी के लिए प्रिपरेशन अगर करना चाहते हो आपको ये सब कुछ मिलेगा, बेस्ट फैकल्टी, रेगुलर क्लासेस, जो भी कॉलेज से आपको एक्सपेक्टेशन है बेटा, रिसर्च फैसिलिटी, गाइडेंस, स्टूडेंट, आपका जो फ्रेंड सर्कल होंगे बहुत ही बेस्ट होंगे, स्टार्टअप अगर करना चाहते हो वहां पे सब कुछ कर सकते हो आप, मतलब कि ओपन प्लेटफॉर्म है बेटा। बस यही आपको दोस्तों बताना था, मतलब कि इस भाग में मैं आपको सिलेबस का जो भी टोटल ओवरऑल आइडिया है मैं नेक्स्ट भाग में देने वाला हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो बस आईआईटी क्यों, क्योंकि आपके पास इंटरेस्ट है और नॉलेज अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इतना ही बता दिया था, क्योंकि नॉलेज आप आसानी से डेवलप कर सकते हो। नॉलेज को अगर डेवलप करोगे तो पहले आपको पोटेंशियल को स्टडी करना पड़ेगा, पोटेंशियल पता चलते ही आपका रोड मैप बन जाएगा, क्योंकि आप कहाँ पे हो और कहाँ तक जाना है पता लग गया तो आपको एक रोड मैप मिल जाएगा। और रोड मैप में जैसे ही चलना स्टार्ट करते हो बेटा, बहुत ही कंसिस्टेंसी वे में आपको चलना पड़ेगा। बस ओके,
मतलब कि रोड मैप, जैसे कि आपको यहाँ पे सब कुछ देखना है रोड मैप में, क्या क्या होना चाहिए, नॉलेज आपको गेन करना है, प्रैक्टिस करना है, कंसिस्टेंसी करना है और इंप्लीमेंट करना है, और पैरेलली आपको देखना है हेल्थ, फैमिली, टाइम, फ्रेंड सर्कल, सब कुछ देखना है। तो यही होता है रोड मैप। ये नहीं कि आप मतलब कि आपका हेल्थ को ही छोड़ दो, पढ़ाई कर रहे हैं मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं, सबको, फैमिली को देखना है, सबको देखना है, सबको, बोलिए टाइमिंग आपको मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए ऑब्वियसली। तो नॉलेज को अगर मतलब कि गेन बहुत ही अच्छे से करने चाहते हो, स्मार्ट वे में डील करना चाहते हो, डेफिनेटली आपको क्या चाहिए बेटा, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे, आपको रूटीन लाइफ फॉलो करना पड़ेगा। रूटीन लाइफ जब फॉलो करोगे और इसी रूटीन लाइफ को अगर जब कंसिस्टेंसी जाओगे, आपके रोड में आप आगे बढ़ते रहोगे, और क्योंकि रोड मैप में आपके पास सब कुछ है, नॉलेज, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, इंप्लीमेंटेशन कैपेबिलिटी, ओके, उसके पैरेलली आप हेल्थ को भी देख रहे हो, आपके फ्रेंड भी है, ओके, बस ऐसा ही आपका डेफिनेटली रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही आपने अपना टाइम को देख लिया, टाइम मैनेजमेंट आपने कर लिया, 21 डेज स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर लिया, तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपका सिलेबस बहुत ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो टाइम के साथ साथ, सिलेबस जो है, ओके, सिलेबस आपका मतलब कि जो भी है, जो रूटीन लाइफ कैसा होना चाहिए, एक यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, एक शॉर्ट टर्म होता है, मतलब क्योंकि आप एक डेली बेसिस पे गोल बना सकते हो, एक बेटा लॉन्ग टर्म होता है, बहुत ही सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टाइल से आपको मतलब कि बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप IIT जाम के लिए कैसे मेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एक शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म में मतलब कि आप डेली वाइज कितना खत्म कर सकते हो, डेली आपको डेली गोल क्या है, डेली गोल बेटा क्या है, और आपका वीकली गोल क्या है, वीकली गोल क्या है, लॉन्ग टर्म में बेटा मंथली गोल क्या है, मंथली क्या खत्म करने वाले हो, क्वार्टरली कितना खत्म करने वाले हो, ओके, बस इस टॉपिक को बेटा आपको मतलब कि ध्यान से देखना है। सिलेबस को आप खत्म करने के लिए चार टाइप के आपका रूटीन लाइफ होना चाहिए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपको डेली मतलब कि GOAL, शॉर्ट टर्म में डेली आप ये यूनिट को खत्म करना है, डेली ये टॉपिक को पढ़ना है, ओके, चलेगा। वीकली उस टोटल यूनिट को ही खत्म करना है, मंथली बेटा उस टोटल चैप्टर मतलब कि जो भी होते हैं, जैसे कि आप सोच रहे हो जनरल जियोलॉजी और सोच रहे हो मिनरलॉजी खत्म करना, तो डेली गोल में क्या होना चाहिए आपका, मिनरलॉजी का एक टॉपिक, चलो मैं आज ऑप्टिकल मिनरलॉजी का पार्ट मैं खत्म करने वाला हूं, उसके बाद वीकली में टोटल मिनरलॉजी को अगर टारगेट कर रहे हो तो बहुत ही बेहतर होगा, और मंथली में मिनरलॉजी प्लस क्रिस्टलोग्राफी प्लस ऑप्टिकल प्लस फिजिकल जितने भी मतलब कि ये हैं ग्रुप्स हैं सबको आपको खत्म करना है, और क्वार्टरली बेटा टोटली मिनरलॉजी के साथ आप स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के साथ आप पेट्रोलॉजी को अगर खत्म कर पा रहे हो तो ऐसा होना चाहिए क्वार्टरली आपका गोल। बस ऐसा ही करना पड़ेगा आपको डेफिनेटली आपके गोल के लिए। और हाउ टू रीड, रीड मतलब कि जब तक आप समझ नहीं रहे हो ना तब तक पढ़ते रहना चाहिए, मतलब कि बहुत ही देसी स्टाइल से आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, मतलब कि जितना भी हो सके। हाउ टू रीड, यहाँ ये बहुत ही मैटर करता है सर, हमें कैसे पढ़ेंगे ताकि हमें बहुत लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है। रीड दोस्तों आपको दिल से ही करना है, मतलब कि देखिए कोई भी टॉपिक एक से उसको आप उस ट्राई करना है समझने की, समझने की व्हाट हाउ व्हेयर व्हाई, ये क्या है, कैसे होता है, कैसे ये फॉर्मेशन हुआ है, सब कुछ आपको समझ में आ गया, बस ये आपका हो गया पढ़ना। ये नहीं कि ओनली रीडिंग मार लिया, उसको दिमाग में नहीं लिया अंदर, बस ये इसको पढ़ना नहीं बोलते हैं। पढ़ना मतलब उसको समझ, जब तक आप समझ नहीं रहे हो, अगर आप खुद समझ नहीं पा रहे हो तो डेफिनेटली एक टीचर की जरूरत हो सकता है, टीचर को आप पूछ सकते हो, इंटरनेट तो आपके पास है ही, तो पहले उसको समझना पड़ेगा, बस उसके बाद उसको डेली रोज याद रख मतलब कि दिमाग में स्टोर करवाने के लिए उसको डेली प्रैक्टिस, दो दिन तीन दिन में उसी चीज को रोज रोज प्रैक्टिस करते रहना है, और आपका नॉलेज इंप्रूव होता जाएगा। टेंशन मत, रट के कोई आगे नहीं जा सकता, समझ के आपको आगे जाना है। तो जब तक नहीं समझ पा रहे हो ना तब तक बेटा आप उस टॉपिक को मत छोड़ना, जैसे भी करके आप समझ सकते हो, इंटरनेट देख सकते हो, टीचर से पूछ सकते हो, डेफिनेटली ऐसा ही आपका प्लानिंग होना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट वाला टॉपिक, उस टॉपिक में आपका रहेगा मतलब कि सिलेबस, कौन सा मतलब कि सिलेबस को आप कैसे एनालिसिस करोगे, इस सिलेबस में कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा, कितना मार्क सिलेबस, कितना मतलब कि टॉपिक वाइज एनालिसिस, उसके बाद मार्क डिस्ट्रीब्यूशन,
ओके, और कौन सा टॉपिक पहले कैसे स्टार्ट करोगे, ओके, डेफिनेटली मैं आपको नेक्स्ट वाला इसका जो दूसरा भाग बनाऊंगा उसी वीडियो में डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको कोई भी जाम रिलेटेड क्वेरी पूछना है तो डेफिनेटली आप हमारे इंस्टीट्यूट के जो भी नंबर मिले हैं उन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये हमारा इंस्टीट्यूट का नंबर है, ओके। क्योंकि ये आपको एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब यही है कि आपको एक फेमिलियर हो सको, मतलब कि कैसे सक्सेसफुल बच्चे जो भी आईटीएन बनते हैं उनका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसा है, जस्ट आपके पास भी वो होना चाहिए ताकि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको, ओके। कोई भी इंक्वायरी हो आईआईटी जाम के लिए, हम यहाँ पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी देते हैं, ऑफलाइन भी हमारा प्रोग्राम चालू हो जाएगा, ओके। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे क्वेरी पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी, डेफिनेटली सर इस चीज में मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, ओके, हमारा फ्री लाइव क्लासेस होता है, ओके, हमारा मतलब कि यूट्यूब में सेशन चलता है, आप डेफिनेटली यूट्यूब को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो हमारा आर्ट साइंस क्लासेस चैनल को, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। आने वाले समय पे बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे, ओके, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बताते रहेंगे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन एनालिसिस होगा तो आने वाले समय पे, ओके। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, 6371923697, ये इंस्टीट्यूट का ही नंबर है। और दोस्तों बस डेफिनेटली आगे बढ़ने के लिए एक ही सोच ही काफी है, प्रिपरेशन कभी भी स्टार्टिंग बुक से नहीं होता है बेटा, मेंटली पहले प्रिपरेशन होता है। अगर मेंटली प्रिपरेशन आपने ठीक कर लिया, हाँ हाँ ये मुझे करना है, ऐसा स्टार्ट करना है बस, और उसी पे ही इंप्लीमेंट कर रहे हो आने वाले समय पे, तो डेफिनेटली आपका सक्सेस आपके हाथ में होगा। तो आज के क्लास में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, आने वाले समय पे मैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एनालिसिस बताऊंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू।